करार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे बेटे कह यहाँ से यहाँ गोली निकल गई थी, एक यहाँ से छूकर नेग निकल गई थी। कि हमें किस चीज के लिए इंसाफ देंगे वो, क्योंकि मेरा पति तो वो वापस दे ही नहीं सकते। कम से कम 25-23 राउंड फायर हुए भाई के ऊपर, 19 राउंड लगे हुए थे, 10 कम से कम यहाँ दिमाग के ऊपर लगी हुई थी गोली और पूरे शरीर में थी। तो बताओ बेटा, ऐसे किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, प्रशासन ऐसे बोलता है। दिल्ली में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं, इसकी एक घटना फिर से सामने आई है। दिल्ली में यूं तो आए दिन कहीं ना कहीं कोई भी घटना सामने आती रहती है जहां किसी की हत्या कर दी जाती है। ऐसा ही एक और मामला फिर से सामने आया है जहां पर बीजेपी के नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वक्त हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं, दीपक शौकीन। एक बार उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, ये जो घटना हुई इसके बारे में आपको कैसे पता चला कि ये हादसा हुआ है आपके भाई के साथ? कॉल आई थी मेरे पास जो साथ में थे वो, उनकी कि ऐसे ऐसे हो गया। मैं उस टाइम बाहर था, फिर मैंने कॉल की कजन ब्रदर के पास, वो मौके पे गए, फिर वो लेकर हॉस्पिटल में गए। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में आया जब ऑन द स्पॉट ओले हो चुका, जो ऑन द स्पॉट ही हो गया था। ये कम से कम 25-23 राउंड फायर हुए भाई के ऊपर, 19 राउंड लगे हुए थे, 10 कम से कम यहाँ दिमाग के ऊपर लगी हुई थी गोली और पूरे शरीर में थी। यही 11 जनवरी 2021 को पहले भी एक बार हुआ था यहीं घर के बाहर। उस टाइम से एक किरसन जो था, अब इनरोलमेंट है जिसका, ये फरार था। अब 8 महीने बाद इसने फिर ये अपराध किया वारदात। क्या लगता है आपको, ये किसी साजिश के थ्रू हुआ है? पूरा प्री प्लान है ये सारा टोटल। इसका पापा ये किरसन है जो ये पैरोल पे बाहर आया था अब थोड़े टाइम पहले, हैं उसके बाद अब वो अंदर गया है, वो सारा कुछ प्री प्लान पूरा सेटल करके गया है। उसके बाद इसके दोनों लड़के ठेकेदार के, ये छोटा राहुल जो कल पेश हुआ है और किरसन अब भी फरार है। अपराधियों को कैसे पता चला कि वो जो गाड़ी थी आपके भाई की वो वहाँ पे, क्योंकि हम सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि आपके भाई की गाड़ी को ओवरटेक करके उसमें से कुछ बदमाश जाते हैं और भागकर उन पे हमला करते हैं। हाँ, वो पीछे बाइक पे भी थे, काफ़ी टाइम से पीछे ही थे, पता ही नहीं चला भाई को। तो पुलिस की तरफ से कोई क्या कार्रवाई की गई अब तक? कार्रवाई चल रही है, थोड़ा टाइम दो, 8 महीने का पहले टाइम दे दिया और क्या दे। अभी हमने जब आपकी मम्मी से बात की नीचे तो पता चला कि आपके परिवार पर जो है आप पहले भी हमला हो चुका है, उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की थी उस समय? उस पहले केस में 5 थे, 2 गाड़ियों में 5 आदमी आए थे, 3 अभी 3 ही अंदर है, 2 फरार थे, एक उसका किरसन ये लड़का जो अब है ये फरार था और अब भी फरारी है। कार्रवाई ये हुई है, 3 अंदर गए, लड़का फरार था, लड़के ने अब दोबारा ये कर दिया मर्डर। तो क्या आपके परिवार पर अभी कोई खतरा है? पूरा ही खतरा, अभी 8 महीने फरार रह चुका, उसके बाद ये मेरे भाई का मर्डर कर दिया, अब पूरा ही खतरा। पहले घर पे हमला हुआ था मेरे ऊपर भी, अब सिक्योरिटी चाहिए हमें, अब बड़ी पूरी और पूरी कार्रवाई चाहिए पुलिस की। अभी तक पुलिस का क्या रोल रहा है इन सब में? रोल यही है, बोल रहे हैं लगे हुए हैं, टाइम दो, कार्रवाई चल रही है। क्या लगता है आपको, पुलिस इन मुजरिमों को बचाने की कोशिश कर रही है? कहीं ना कहीं पीछे किसी का हाथ है ये। तो ये दुश्मनी किस चीज़ के पीछे है, क्योंकि क्या वो बीजेपी में जुड़े थे इस वजह से उनकी ये दुश्मनी है या फिर कोई और वजह है? ये प्रॉपर्टी का वो है, प्रॉपर्टी ले रहा था भाई यहाँ अनाज मंडी में, उसके ऊपर उनकी भी नज़र थी, वहीं उन्होंने भाई को टारगेट किया था। यानी कि ये जो सारा मामला हुआ है ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है। आप मुझे ये बताइए, जो अमित के साथ 2 लोग गाड़ी में थे वो कौन थे? फ्रेंड ही थे वो भाई के, एक फ्रेंड था और जो दूसरा था जिसके साथ जो लेकर गया था वो कमीशन का काम करता प्रॉपर्टी में,
कब से जानते हैं हमें तुम लोगों को? जो भाई का फ्रेंड है वो कम से कम 15 साल से साथ है। और जिसने कॉल करके आपको इस सब बात की इन्फॉर्मेशन दी थी वो कौन है? जो घर पे कॉल की वो जो लेकर गया था वही है बबलू। आपकी माता जी ने ऐसा कहा कि जो लेके गया था उनको बबलू जो सा आप कह रहे हैं उसने आपको भी कॉल करके बुलाया था, तो आपके ऊपर भी एक टारगेट था उन लोगों का? टारगेट था और अब भी है। अब भी है? तो अपनी सुरक्षा के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? सिक्योरिटी चाहिए और क्या चाहिए? प्रशासन से आपको सिक्योरिटी चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए। देखिए हम जानते हैं ये जो भी कुछ हुआ है बहुत ही दुखद है, और एक माँ से उसका बेटा छिन गया है। हम आपका दुख तो नहीं कम कर सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि जिन्होंने भी ये काम किया उन्हें सज़ा ज़रूर मिले। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है ये जो अमित के साथ हुआ है ये किसी दुश्मनी का नतीजा है? ग्यारह जनवरी को मेरे घर पर आकर हमला हुआ था, पूरी फैमिली पे। मेरा बच्चा उनके साथ कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहता था। उसकी छोटी बच्ची है उस पे भी, उसकी वाइफ पे भी हमला हुआ था। मेरे बेटे के यहाँ से यहाँ गोली निकल गई थी, एक यहाँ से छूकर निकल गई थी। एक मेरे भाई का लड़का LLB कर रहा था, वह हमने जयसिंह के पास छोटा हुआ था। वो हमारी आवाज़ सुनकर मैर मेरा बेटा बाहर निकले हुए थे, उनने दो गाड़ी आई बदमाशा की, हमारे घर पर आकर हमला बोल दिया। उस टाइम पे मैं मेरा बेटा दो जने अगर निकले, तीन जने यहाँ हथियार लेकर निकले थे। एक मन पकड़ लिया हथियार वाला, एक मेरे बेटे ने पकड़ लिया, तीसरे ने मेरी बहू पर गोली चलाई, तब मेरे भतीजे के दिल पर गोली लग गई। मेरे मामा का लड़का और मेरा भाई, उसकी चेस्ट पे, वो सिर्फ 18-19 साल का है, उसकी चेस्ट पे यहाँ पे बुलेट लगी थी, जो फायरिंग उन्होंने मेरी भाभी पे और मेरी भतीजी पे की थी। और वो फायरिंग उन्होंने हमारे पूरी फैमिली पे की थी, हमारे पूरे घर पे फायरिंग हुई थी, जैसे अभी हुई है ना इसी तरीके से, तब भी फायरिंग हुई थी। तब उन्होंने अगले दिन, हमने जब कार्रवाई हुई तो अगले दिन जो जय किशन है, मम्मी कौन है वो, जय भगवान है, उसके साथ राजेश है, राहुल है और ये है किशन, ये दो, इन दोनों का फादर है। उन्होंने खुद पेश हो गए थे वो जाके, वो और उनके साथ एक और है राजेश, जिसकी भाई प्रॉपर्टी ले रहा था। उस लड़के ने 2000 गज की टोकन मणि दी थी प्रॉपर्टी की, वह कोई रोड़े दैबे की कुछ नहीं थी। उसमें जो ये जय भगवान है, इसे मैं जब से शादी से पहले आई हूँ, शादी के बाद आई हूँ, मैंने वो कभी अपनी आँखों से देखा नहीं था, हमने आज तक उसको कभी नहीं देखा है जय भगवान को। तो तब जब वहाँ पे मतलब भाई ने वहाँ पे टोकन मनी दी थी, जमीन के लिए अपना किया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो वहाँ पे जय भगवान ने आके टांग अड़ाई थी कि ये प्रॉपर्टी तू नहीं मैं लूँगा। इस बात के ऊपर उन्होंने हमारे साथ ये फायरिंग की है। तो क्या ये सारा मामला आपको लगता है जमीन जायदाद के पीछे हुआ है? इस बात की मैं नहीं बता सकती, आखिर जब ई वो बीच में जय भगवान पैरोल पर आया, मेरे लड़के दोनों से, दीपक शौकीन से और अमित शौकीन से, मैंने ये बोला गाम राम है भाई, हम उस जमीन न छोड़ देंगे, हमारी टोकन मणि वापिस दो, हमें कोई लड़ाई नहीं, और हमने गांव में कोई लड़ाई नहीं करनी। अब अचानक मेरे बेटे का बुखार हो रहा था, 3:30 बजे अपने छोटे भाई के पास गया, डॉक्टर के पास ले चलो, वहाँ से 7:30 बजे मेरी बहू ने उसे फोन किया है, आप कहाँ रह गए, घर आ जाओ। वह बोले मैं ऑफिस में बैठा हूँ, दीपक भी मेरे साथ है, मैं 10 मिनट के बाद आ रहा हूँ। 8 बजे बबलू है, उसने मेरे पास फोन किया, दीपक कहाँ है, उस
उसने मेरे छोटे भाई के बारे में पूछा है। मैं बोली मगा क्या बात हुई, बोला अमित को गोली मार दी। उनका प्लान ये था मतलब कि मेरे छोटे भाई को बुला के उसे भी टारगेट करना। 8 महीने हो गए उस दिन से, आज तक पुलिस ने कोई एक्शन लिया नहीं, तो अब पकड़ा कृष्ण को नहीं, पहले से पकड़ा। तब भी किशन था तब भी। आप मुझे एक बात बताइए, जैसा आपने कहा कि इससे पहले भी आपके पूरे परिवार पर हमला हुआ था, तो क्या आप लोगों ने पुलिस से इस बात की शिकायत की थी? शिकायत की, बहुत ज्यादा शिकायत की। पुलिस ने बोला हम इसका SHO मणिपाल में मैंने अपने बेटे का इलाज करवाया, मेरे पास कुछ नहीं था, किसी किसी से पैसा ले गए, उसका ऑपरेशन करवाया, गोली निकलवाई। जब SHO ने मेरे से जाकर ये बोला माताजी आप बोलो मत, घर जाओ, हम पूरा एक्शन लेंगे। तभी पुलिस ने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि हम सबको अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन जब जय भगवान ने खुद जाके अपने आप को पेश कर दिया था, जय भगवान ने और राजेश ने, लेकिन उस टाइम पे भी जो उनका फायरिंग में बेटा किशन जिसने अभी मेरे भाई पे फायरिंग की है, तब भी उसको नहीं पकड़ा गया था, उसको अरेस्ट नहीं किया गया था। 8 महीने से वो फरार ही चल रहा था और अभी भी उसी ने मेरे भाई को टारगेट बनाया। आप लोगों को कैसे पता जिस नाम ले रहे हैं आप, जो कृष्ण अभी जो अब 2 दिन से न्यूज़ में आ रहा है कि जय भगवान के बेटे को पकड़ा है और उसने खुद ओपन किया है कि मेरे साथ किशन था और वो क्या नाम है मम्मी, दर्शन नाम का कोई और इंसान है, उसने खुद कन्फेस किया है कि हम तीनों ने फायरिंग की है और हमारा ही। अब हमें नहीं पता क्योंकि हमें रिस्क तो उसी से था ना कि वो फरार चल रहा था जिसने हमारे घर पे फायरिंग। मैंने सुबह अपने बेटे से बोला भाई तू कुछ कर नहीं चाहता पर तेरा दुश्मन बाहर घूम रहा है, तू अकेला घर से मत निकल, तेरी छोटी सी बेटी है, तेरे पास नौकरी नहीं है, तेरी वाइफ के पास नौकरी नहीं है, तो ये बच्ची क्या कमाएगी, क्या खाएंगे? मेरे बेटे ने ये कही, मैं किसी से कुछ कहता नहीं, तो मैंने किसी से डर नहीं। उस दिन वहाँ एक बबलू नाम का लड़का आया और मेरे बच्चे को बोला तू मेरे साथ वहाँ तक चल, और उसी ने मेरे पास फोन किया, उसी ने फोन किया अगर अपने छोटे वाले को भेज दे कहाँ है, अमित को गोली मार दी। तो क्या उस शख्स का भी इसमें हाथ है आपको ऐसा लग रहा है? हाँ जी मेरे को ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि वो वही बुला के ले गया था, उसने कहा मैं घर जा रहा हूँ मुझे नहीं जाना कहीं, लेकिन उसने फोर्सफुली उसने कहा नहीं चल भाई चल भाई चल भाई, वो एक कह के लेके गया था उसको, और जो दर्शन है ना वो उसी का खास है। मतलब ये पूरी एक साजिश रच के उनके साथ ये हुआ है। ये साजिश पहले भी थी मेरे परिवार को ख़त्म करने के लिए, जब हमला हुआ पुलिस की ये कमी है तुरंत उनको अरेस्ट करती, मेरे बेटे का मरने का इंतजार नहीं करती, आज मेरे को ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर किशन फरार नहीं रहता ना तो आज हमारे साथ ये नहीं होता। किशन अब भी फरार है, किशन तब भी फरार था, किशन अब भी फरार है। पुलिस हमारे लिए कल मैं परसों वहाँ बैठे हैं, पुलिस वाले ने हमें मारा, मेरी लड़की के कपड़े फाड़ दिए, मेरे जमाई का फोन खोज के कर दिया, बहुत बुरा सलूक किया पुलिस ने मेरे साथ, हमारी कोई सुनाई कहीं भी नहीं हो रही। अब बेटा बताओ मैं क्या करूं? एक इसने आपके कपड़े फाड़े, मेरे पास FB पे वीडियो है, फोन लेके आओ मैं वीडियो दिखाती हूँ। लेडीज कांस्टेबल ने मुझे इतने गंदे तरीके से कुत्ते की तरह खींच के ले गई है। ये मेरी बूढ़ी जिठानी है, इसको ऐसे उठा लेंगे, बहुत बुरा सली कह दे कोई, ये पूरा फाइनल मैंने डाला है सब, हम सारे ऐसे ऐसे खींच के घेरे हैं, मेरी लड़की भी राम भी सारे सारा परिवार ऐसे खींचे हैं हम लड़की की। यानी कि पुलिस ने आपके पूरे परिवार के ऊपर ये अत्याचार किया है? जी ये मेरी लड़की थी, पोती थी, और इसका इसलिए वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि है ना कौन कौन शख्स थे, कौन कौन शख्स थे और कैसे उन्होंने है ना उसको मर्डर करने के बाद भी इस तरीके से चेक किया है, आराम से पब्लिक प्लेस पे चेक किया है कि उसको वो मर गया या नहीं मर गया, तब भी कोई एक्शन नहीं हो रहा, क्यों भाई? वो तो सरासर घूम रहे है ना,
सीसीटीवी में क्लियर है, हमारे पास ये फुटेज तो है हमारे पास, तो इसमें क्लियरली दिख रहा है पीछे से। ये देखो मेरे कपड़े, ये देखिए आप, ये क्लिप देखिए जिसमें ये कह रही है। देखो ये फाड़ रखे पुलिस ने, मेरा भाई मरा है, 18 गोलियां लगी। ए सुनो, कपड़े भागे पुलिस के पास है, कल भी लेने गए, फोन नहीं दिया है उन्होंने। क्यों सिर्फ वो पुलिस के है ना, जो भी हो रहा था उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। यहाँ पे पीछे और भी लाइव वीडियो गई हुई है, ये हम पब्लिक से मदद मांग रहे हैं। अब देखो यहाँ मुझे ये लेडी ये जो गाइड है, मुझे ले जा रहे अंदर रोक दिए। मेरे जो सारे कजन ब्रदर्स हैं उनके साथ पुलिस ने, क्या पुलिस इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है? हाँ जी पुलिस इनका साथ दे रही है। मेरे बेटे पे पहली दफा गोली चली, कृष्ण ना जय भगवान और राजेश अगले ही दिन खुद रेस्ट हो गए। फिर उसके बाद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। किसान तब से फरार चल रहा है और अब भी मैं परिवार को, पूरे परिवार को खतरा है, पर हमारे मारने के कोई बाहर, मेरे भाई को खुद मारा है पब्लिक प्लेस पे, सबके सामने मारा है उसको, ऐसे ही देखा गया है कि वो मर गया या नहीं। उसके मरने के बाद भी उसके सिर में गोलियां मारी है, ठीक है। ऐसे तो हम लोग घर से निकल ही नहीं सकते, हम क्या खाएंगे क्या कमाएंगे, हमारे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है। वो खेती करता था, हम अब क्या करेंगे? मेरी भाभी खेती करने जाएगी क्या? मेरी ये छोटी सी बती, वो खुद इतना परेशान था, उसके दो बच्चे एक्सपायर हुए हैं रिसेंट में, उसकी एक बड़ी लड़की 2.5 साल की, एक लड़का, दोनों एक्सपायर हुए हैं, और उसका खुद का लड़का करप्शन का शिकार हुआ है, हॉस्पिटल वालों ने उसको खुद ऐसे ही मारा। वो खुद इतना वो था, वो किसी के साथ, वो खुद ही इतना टूटा हुआ था, उसे किसी के साथ लड़ना ही नहीं था, फिर भी उसके साथ ये सब हुआ है। अमित जो थे वो बीजेपी से भी जुड़े हुए थे, महामंत्री थे, लेकिन बीजेपी का कोई मेंबर हमारे घर अब तक नहीं आया, कोई स्पोर्ट में नहीं आया है, बीजेपी का एक पर्सन भी हमारे घर नहीं आया अब तक। बीजेपी की जहाँ भी बीजेपी कार्यालय में मीटिंग होती थी वहाँ शामिल होता था, हर एक प्रोग्राम में जाता था, पर मेरे बेटे की मदद करने के लिए नहीं तो बीजेपी आया और नहीं हमारी पुलिस कोई सहायता कर रही। एमएलए आया, कोई भी हमारे घर में प्रशासन, कोई भी हमारे पास नहीं आया है हमारे स्पोर्ट में। सज्जना ने ऐसे ऐसे पकड़ के थाने के अंदर डाल दिए, अरनू कही जे है तो उठ लो ना, आपके साथ बहुत बुरा सलूक होएगा। मैंने हाथ जोड़ के ये कहा, बेटा को रखा है, मैं अपनी अप्पू के लिए इंसाफ मांग रही हूँ, हम तोड़ फोड़ कुछ नहीं कर रहे, बुजुर्ग आदमी हो हमें ऐसे मत कहो, मारी कोई भी सुनाई नहीं हुई, ना हुई ना अब हो रही है, हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा। थाने से बयान लिखवा लिए, उसने जैसे अपना भाई खोया, वो भाई जो भाई चला गया वो अपने छोटे भाई को कोई भी बात नहीं बताता था, और वो अपनी छाती का बेटे की चरियर लगा के पाल रहा था। आज मेरे आदमी को बुलाओ, वो शरीफ है, उसे कुछ पता नहीं, मेरे बेटे को भी कुछ पता नहीं। पिछली बार हम घरों में जोड़ के अखबार में वैसे ही निकाल दिए, हम किसी गिरोह के मेंबर है ना और कुछ है, लेकिन फिर भी हमें जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है कि मारने वाला कृष्ण पहलवान के आदमी है गिरोह के, और जो मरने वाले हैं वही हिम्मत ग्रोह के क्लोजी हैं। हम सिंपल लाइफ जीना चाहते थे, सिंपल लाइफ में मेरा भाई रहना चाहता था, लेकिन पता नहीं हमारे साथ ये सब क्यों हुआ है। हमें नहीं, ये इस वजह से तो नहीं हुआ क्योंकि वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, कोई राजनीतिक एंगल तो नहीं है। उठने वाले नहीं थे, पर उसने प्रचार प्रदेश मंत्री का पद मिला हुआ था, पर वे ऐसे सिले आदमी थे, गाँव में किसी से भी पूछोगे तो कोई ऐसे नहीं कहेगा, अकमित की किसी से दुश्मनी थी, आपने उसके साथ रोड़ा कर दिया, अगले दिन वो उसे हेलो कर लेगा, जो कल गाड़ी क्लोज हुई है तो यहीं ख़त्म करो। आगे हमने बढ़नाया था, अपने बच्चों के लिए बढ़नाया है, किसी के लिए अच्छा ये दवाइयाँ में होगा, किसी के लिए अच्छा करने के लिए बढ़ना, ये बात थी हमारी।
तो यहाँ पर अमित के पड़ोसी मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अमित का स्वभाव किस तरह का था। सर आप मुझे ये बताइए, जो अमित थे उनका स्वभाव किस तरह का था? उनका स्वभाव साधारण स्वभाव था, एक नॉर्मल आम आदमी। कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? हमारे साथ तो कोई बात नहीं, हमारे पड़ोस में हमारे पड़ोस में अमित का कर रहा है। ये बेटे बिल्कुल पड़ोसी है और उसका ऐसा कोई नहीं है, मिलनसार सा आदमी था और बढ़िया आदमी। आपने देखा कभी किसी के साथ लड़ाई होते हुए? नहीं नहीं, कभी भी नहीं देखा, बल्कि हाँ दूसरे की मदद कराया करता, बिल्कुल एक नंबर का आदमी था। हमारे साथ अमित की वाइफ मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, सरकार ने हमारे लिए क्या किया, क्या स्टेप उठाए हैं? वो बीजेपी के नेता थे तो कौन बीजेपी का नेता हमारे घर पे आया और वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं? मेरे 2 साल की बेटी है तो मैं उसको क्या खिलाऊंगी? मेरे पास तो जॉब भी नहीं है और ना मेरे हस्बैंड की कोई जॉब है, तो मैं उसको क्या खिलाऊंगी आगे? मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ सरकार से कि हमें किस चीज़ के लिए इंसाफ देंगे वो, क्योंकि मेरा पति तो वो वापस दे ही नहीं सकते और ना अभी वो कोई स्टेप भी नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि एक ही पकड़ा है। उन्होंने 48 घंटे का टाइम मांगा था कि हम 48 घंटे में, पुलिस वालों ने कहा था कि हम 48 घंटे में अरेस्ट कर देंगे, तो अभी एक ही पकड़ा है। अभी जो मेन है वो तो अभी पकड़े नहीं गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे उनका? तो वो उनकी गलती होती, वो उनको तभी पकड़ के ले आते, उनके किसी मेंबर को लग जाती पुलिस वालों के, पर आम आदमी की कौन सुनवाई करता है? कोई नहीं करता। क्लियर सब कुछ दिख रहा है कि 3 बंदे हैं, पर क्या पता अब हमें वो पैसे दे के खुद आया है या पुलिस ने पकड़ा है। अभी 2 तो फरार हैं और वो आके हमारे यहाँ पे हमला कर देंगे तो हम क्या कर लेंगे? प्रशासन की तरफ से आपको कोई मदद नहीं दी जा रही है? क्या मदद दी गई है अब हमें क्या पता? वो इवन एक अभी का है कि पकड़ लिया, अब हमें क्या पता वो उन्हें पकड़ा है या कुछ खुद आके सिलेंडर किया है उसने अपने भाई को बचाने के लिए। ये छोटे वाला तो था नहीं जो अब पकड़ा गया है, ये नहीं था। पहली दफा भी किरसन था, वो पहले भी जो मानस मटर करके जेल में रह चुका बाहर आया था, अब भी बाहर है। या तो मेरे को जॉब दे, या मेरी बेटी को एजुकेशन के लिए या उसके आगे के भविष्य के लिए कुछ दे, ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो उसके। इस देश में जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो तक सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की क्या ही हालत होगी, इस पर हम क्या कहें? जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनकी दिन दहाड़े ऐसे गोलियों से छन्नी कर हत्या कर दी जाती है। पहले भी अमित के पूरे घर पर फायरिंग हो चुकी है और पहले भी उन्हें निशाना बनाया जा चुका है, लेकिन तब भी प्रशासन चुप नजर आया और इस बार तो अमित की जान तक चली गई। लेकिन अब भी प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई होती नहीं दिख रही है जिससे हम ये कह सकें कि अमित को जल्दी इंसाफ मिलेगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आफरीन खान, तेज तरार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।